अपने वीडियोस के वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए मैं लिटरली 1 या फिर 2 बजे तक वेट करती हूँ रात को। एंड रिसेंटली मेरा 1K सब्सक्राइबर हो गया है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। खैर, दिवाली आ रहा है गाइस एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ दिवाली मेकअप, बट आप इसे एज ए वेडिंग गेस्ट मेकअप भी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि वेडिंग सीजन भी आ रहा है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट मैं अपने फेस पर यूज़ करने जा रही हूँ बेबी क्रीम, एंड ये एक्चुअली इसका है, इस छोटू सा बेबी का। मेरा मॉइस्चराइजर मुझे मिल नहीं रहा था, सो मैंने उसका ले लिया था थोड़ा सा। एंड इसे अप्लाई करने के वक्त मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी क्योंकि मुझे पता था ये पैराबिन फ्री है एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है हम लोगों के फेस के लिए या फिर स्किन के लिए। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ नायका का प्रिप मी अप प्राइमर, और मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स भी हुआ है क्योंकि दुर्गा पूजा रिसेंटली गया है एंड ये शूट मैं दुर्गा पूजा के कुछ दिन बाद ही कर रही हूँ एंड बहुत सारे दाने हो गए हैं मेरे फेस पर। बाय द वे, अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का कंसीलर एंड या ये मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं, ये लो बजट में आपको मिल जाएगा। खैर, नौटंकी करते करते मुझे याद आया कि ये जल्दी जल्दी ड्राई हो जाता है, सो इसे मैं जल्दी जल्दी ब्लेंड कर रही हूँ। एंड ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्वीट ब्यूटी का फाउंडेशन ब्रश, एंड ये सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है ये ब्रश। एंड इसे मैंने पहले थोड़ा सा भिगा लिया था, ब्यूटी ब्लेंडर हो या फिर फाउंडेशन ब्रश, अगर आप उसे थोड़ा सा भिगा के यूज़ करते हो तो आपका प्रोडक्ट वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। फॉर द फाउंडेशन आई एम अप्लाइंग फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये है मेरा मम्मी मुझे डिस्टर्ब करते हुए मेरे वीडियो को एंड मुझे इग्नोर करते हुए बस इधर से उधर एंड उधर से उधर हो रही थी, और मैं बक बक करते करते अपना ब्लेंडिंग कंप्लीट कर लिया। एंड अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाने के बाद मैं इसे सेट करूँगी विथ लैक्मी लूज पाउडर। एंड हाँ, आज मैंने आई बेस अलग से क्रिएट नहीं किया है, जो फाउंडेशन एंड कंसीलर मैं अपने फेस पर यूज़ कर रही थी, अप्लाई कर रही थी, वही मैंने अपने आईज़ के ऊपर भी अप्लाई कर लिया है एंड ब्लेंड कर लिया है अच्छे से, एंड अभी मैं उसको भी अच्छे से फिक्स कर लूँगी। एंड बेस मेकअप क्रिएट हो जाने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फिक्सर ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। एंड यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड का फिक्सर यूज़ किया था अपने फेस को फिक्स करने के लिए। एंड बहुत सारे स्ट्रगल के बाद अपना बेस मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एक ग्रीन आई शेडो फ्रॉम स्वीट ब्यूटी आई शेडो एंड ब्लशर पैलेट से अपने आईज़ के क्रीज लाइन पर। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक पर्पल कलर का आई शेडो एंड इसे मैं अपने आई लिड्स पर अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। बाय द वे, ये मैं बहुत ज़्यादा खास रही थी क्योंकि मेरी मम्मी अभी तड़का लगा रही थी उस वक्त खाने का एंड मुझे बहुत ज़्यादा छींक आ रही थी। एंड यू नो दैट इंडियन मम्मी के खाने का स्पेशलिटी होता है तड़का लगाना, एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड अभी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो खैर, बैक टू द वर्ल्ड। एंड इसके बाद मैंने आईज़ के कॉर्नर पे अप्लाई किया है एक डार्क पर्पल कलर का आई शेडो एंड ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। एंड देन मैंने यूज़ किया है एक ब्राउन कलर का आई शेडो अपनी क्रीज पर ताकि क्रीज थोड़ा सा ज़्यादा दिखे। एंड लोअर लैश लाइन पर मैंने यूज़ किया है ब्लैक आई शेडो एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ग्लिटर आई शेडो एंड ये एक लिक्विड आई शेडो है एंड इससे मैंने अपने आईज़ के कट क्रीज क्रिएट किया है एंड अपने आईज़ के नीचे भी थोड़ा सा अप्लाई किया है लैश लाइन के। एंड इसके बाद मैं काजल के लिए अप्लाई कर रही हूँ आइकॉनिक काजल। एंड नाउ मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से कॉम कर रही हूँ विद स्विस ब्यूटी आईब्रो ब्रश एंड इसके दूसरी तरफ एक आईब्रो ब्रश है, उसके हेल्प से मैं अपना आईब्रोज डिफाइन कर रही हूँ। एंड आईब्रोज डिफाइन करने के वक्त आप एकदम प्योर ब्लैक ही यूज़ ना करें, थोड़ा सा ग्रे या फिर ब्राउन टाइप्स का कलर यूज़ करें तो अच्छा लगता है। एंड अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का आईलाइनर एंड आईलाइनर मैं आज थोड़ा सा टान के लगाऊंगी, मतलब थोड़ा सा फॉक्सी टाइप्स का लुक आएगा, बट प्योर फॉक्सी मैं नहीं कर रही हूँ, बट अच्छा लगे ऐसा कर रही हूँ। और ये है मेरा आईलैश कर्लर एंड जहाँ से प्रेस करते हैं आईलैश को वहाँ का एक साइड मेरा कहीं पर गिर गया है या फिर खो गया है, बट मैं इसी से काम चलाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। एंड इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, और ये है मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा एंड ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट मस्कारा है।
एंड इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट से एक ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर। एंड वो बेबी मुझे साइड से स्माइल दे रही थी एंड उसको देख देख कर मैंने बहुत ज़्यादा ब्लशर यूज़ कर लिया है, बट इसे मैं मैनेज कर रही हूँ विद सम कॉम्पैक्ट पाउडर। उसे ऊपर से अच्छे से अप्लाई कर लिया एंड वो मैनेज हो गया था। एंड नेक्स्ट मैं ये वाला आई शेडो लेके थोड़ा सा कॉन्टोर कर रही हूँ विथ माई फिंगर, एंड कॉन्टोर के साइड से मैं थोड़ा सा लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। एंड मेरा नेक एंड हैंड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि मुझे स्पॉन्डलाइसिस है एंड मैं ज़्यादा देर तक बैठ ही नहीं पाती हूँ। खैर जीवन में तो कोई लाइट है नहीं, सो अपने फेस को ही हाईलाइट कर लेती हूँ। मुझे ये पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सो मैंने वेट एंड वाइल्ड का पाउडर हाईलाइटर अप्लाई किया है अपने फेस पर, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लेने के बाद मैं अपनी ईयर को भी हाईलाइट करती हूँ क्योंकि वो भी हम लोगों के फेस का एक पार्ट होता है एंड अच्छा लगता है। आप लोग एक बार करके देखिए। नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी लिप लाइनर से अपने लिप को अच्छे से ड्रॉ कर लिया एंड कौन सा लिपस्टिक लगाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने माई ग्लैम का एक लिपस्टिक पिक किया था एंड वो मुझ पर लिटरली चुड़ैल जैसा लग रहा था, सो मैंने जल्दी जल्दी दूसरा कलर लगाया था। एंड ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूट कलर है, इनसाइड कॉस्मेटिक्स का वाटरप्रूफ एंड स्मच प्रूफ लिपस्टिक है, बहुत 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 ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। एंड स्विस ब्यूटी का एक पिंक लिपस्टिक मैंने लिप्स के बीच पर अप्लाई किया है एंड अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और ये मैंने अपने हेयर को अच्छे से कर लिया है कर्ल, एंड अपने आईब्रो बोन को मैंने हाईलाइट करना भूल गया था सो उसे भी मैंने कर लिया। एंड मैं अभी आईलैश एंड ज्वेलरी पहन के वापस आती हूँ एंड दिस इज़ माई फाइनल फेस्टिवल मेकअप लुक। एंड अगर आप लोगों को ज्वेलरी एंड चूड़ी का हॉल चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। एंड ए वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली टू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।